नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट है और जो क्लासेस चल रही है हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पर, उसमें जो चैप्टर है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। साथियों, स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है ये हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है बेहद खास, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और देखते रहिए सिविल सॉल्यूशन स्टडी। साथियों, स्ट्रेस जो है वो कब और क्यों डेवलप होती है? सर, ये हमारे माइंड में हमेशा क्वेश्चंस बना रहता है कि स्ट्रेस कब और क्यों और क्या, ये जो है कब क्यों और क्या, कि स्ट्रेस कब डेवलप होगी, स्ट्रेस क्यों डेवलप होती है और स्ट्रेस क्या है, व्हाट इज स्ट्रेस। तो ये तीनों के जो जवाब हैं आज हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को जो है लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि प्रत्येक वीडियो में कब क्या क्यों ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कब क्यों क्या स्ट्रेस से जो क्वेश्चंस उठते हैं वो हम बताते हैं, स्ट्रेस कब डेवलप होती है चलिए ये भी हम आपको समझा दें। साथियों, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ये बॉडी है इस समय ये फ्री है, इस पर ना तो कोई फोर्स लग रहा है ना ही कुछ है। अब क्या करेंगे हम, एक्सटर्नल फोर्सेस ये हो गया और दूसरा एक्सटर्नल फोर्सेस ये हो गया। साथियों, जब किसी भी बॉडी को एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा या तो पुश किया जाता है या फिर पुल किया जाता है, या फिर मान लीजिए जब किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो डेवलप होता है या एक्ट करता है, एक्सटर्नल फोर्स अगर कार्य करेगा साथियों, तो जो बॉडी है, ये जो बॉडी है इसमें स्ट्रेस डेवलप हो जाती है। तो समझ गए होगे कि जो है हमारी स्ट्रेस कब डेवलप होगी, कि जब किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य करते हैं तो उस कंडीशंस में क्या होता है, स्ट्रेस डेवलप हो जाती है। अब बात करते हैं क्यों स्ट्रेस आखिर डेवलप क्यों होती है, तो उसके लिए भी हम बात करेंगे कि स्ट्रेस क्यों डेवलप होती है। साथियों, मान लीजिए ये कोई हमारी बॉडी है, क्या है ये बॉडी है, और इस पर हमारे जो है वो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स कार्य कर रहा है। तो साथियों, अब जब एक्सटर्नल फोर्स कार्य करेगा तो क्या होगा कि हमारी बॉडी भी तो कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगी। साथियों, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, जब इस पर कोई भी फोर्स लगता है, किसी भी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं, तो वो बॉडी क्या करती है, वो बॉडी एक रिएक्शन करेगी कि नहीं करेगी। तो साथियों, वो इस रिएक्शंस करेगी, तो उस रिएक्शन के कारण ही हमारी स्ट्रेस डेवलप होती है। आइए जानते हैं साथियों, जब हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है ये लग रहा है, तो यह इसी के अपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस फोर्स भी डेवलप हो जाते हैं। साथियों, क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस फोर्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं बॉडी को संतुलन में बनाए रखने के लिए। समझ गए साथियों कि क्यों स्ट्रेस क्यों डेवलप होती है, स्ट्रेस इसलिए डेवलप होती है ताकि जो भी किसी बॉडी पर जब हमारे एक्सटर्नल फोर्स लगते हैं तो उन एक्सटर्नल फोर्स को रोकने के लिए, या फिर हम अपनी उन एक्सटर्नल फोर्स से अपनी बॉडी को बचाने के लिए जो है उसमें जो जो है रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप हो जाती है, उस रेजिस्टेंस फोर्स के कारण हमारी स्ट्रेस डेवलप हो जाती है। तो ये था कि हमारी स्ट्रेस क्यों डेवलप होती है। आइए अब जानते हैं स्ट्रेस क्या होता है। देखिए साथियों, अब समझते हैं स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस साथियों, जब किसी बॉडी पर, ये बॉडी है, जब किसी भी बॉडी या मेंबर पर हमारे एक्सटर्नल फोर्स कार्य करते हैं, तो बॉडी के अंदर क्या होता है कि उसकी जो डायमेंशंस हैं वो साथियों चेंज होने लगती हैं। उस डायमेंशन चेंज के अगेंस्ट क्या होता है, एक रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। जैसे हम एक सिंपल आपको समझाएं कि ये बॉडी
जब इस बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स कार्य करेगा तो साथियों ये क्या होगा, इसके जो बॉडी है, जो शेप इसका ओरिजिनल शेप है, उस शेप से ये क्या होगा, चेंज होने की कोशिश करेगा, और उस चेंज होने की कोशिश करेगा, लेकिन साथियों इसमें जो रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा वो इस चेंजेस को रोकेगा कि बॉडी को चेंज होने से बचाएगा। तो उसी उसी समय क्या होता है साथियों, स्ट्रेस डेवलप हो जाती है, तो उसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है साथियों, कि जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगते हैं तो बॉडी क्या होता है, उसकी जो डायमेंशन है वो चेंज होने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, उसमें एक रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप होते हैं जो कि उस चेंजेस का विरोध करते हैं, और उसमें ही हमारी जो है स्ट्रेस डेवलप हो जाती है, जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं। साथियों अगर आपसे अगर कोई डेफिनेशंस पूछे कि स्ट्रेस की डेफिनेशंस क्या होती है, तो आप बस बता सकते हो साथियों कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू रेजिस्टिंग रेजिस्टिंग फोर्सेस पर यूनिट एरिया, क्या होगा, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहां पर पी अपॉन ए सिग्मा, स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं, और रेजिस्टिंग फोर्स जो है वो पी या फिर आर से कर देते हैं। ए जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ए क्या है, ए इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया है, पी रजिस्टिंग फोर्स है, रजिस्टिंग फोर्स है साथियों। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रेस क्या है, तो आप जो है इस लैंग्वेज में भी बता सकते हो कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इज ए रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर ये आप इस तरह से बता सकते हो। आइए अब हम जानते हैं साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि बॉडी है वो कब संतुलन में रहेगी और कब जो है वो असंतुलन, या कब जो है वो डिजाइन फेल होगा और कब जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, डिजाइन फेल। साथियों जो भी हमने डिज़ाइन किया है, चाहे वो किसी बीम का किया है, चाहे किसी भी कॉलम का किया है, या फिर स्लैब का किया है, किसी का भी डिज़ाइन किया हो, वो कब फेल कब होगा, जब साथियों एक्सटर्नल फोर्सेस ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस। साथियों हमारी जो बॉडी है वो उस कंडीशन में फेल हो जाएगी जब एक्सटर्नल फोर्सेस इज ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि जब एक्सटर्नल फोर्स की जो वैल्यू है वो इंटरनल रेजिस्टेंस से अधिक हो जाती है, तब उस कंडीशंस में हमारी जो बॉडी है वो फेल हो जाती है। ठीक है साथियों, अब इक्विलिब्रियम में कब रहेगी, साथियों इक्विलिब्रियम में रहेगी जो एक्सटर्नल फोर्स हैं इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है साथियों, कि इक्विलिब्रियम जो संतुलन हमारी जो बॉडी है वो कब संतुलन में रहेगी, जब एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, जब ये दोनों की वैल्यू जो है, मान लीजिए ये यहाँ से एक पी जो कि एक्सटर्नल फोर्स है वो इस पे एक्ट कर रहा है, और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में एक जो आर है जो रेजिस्टिंग फोर्स है वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो इन दोनों की जो वैल्यू है जब इक्वल हो जाती है तब बॉडी जो है वो सेम कंडीशंस में बने बनी रहेगी, और इन जो है इसी में हमारी स्ट्रेस डेवलप हो जाती है। ठीक है साथियों, तो ये था स्ट्रेस के बारे में कि स्ट्रेस क्या है, कब, क्यों और क्या, ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे साथियों, सभी को अच्छे से जानकारी मिली होगी। तो प्लीज़ अब वीडियो को अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो टाइप ऑफ स्ट्रेस आएगी साथियों, एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो कितनी कितने टाइप की जो है स्ट्रेस हैं वो डेवलप होती हैं, तो भी उस वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और देखते रहिए आज जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट है उसकी वीडियो। साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।